ओके सो वेलकम बैक एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कंडीशनल ऑपरेटर्स को पढ़ा था और उसके साथ साथ हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट को पढ़ा था और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि इफ स्टेटमेंट के साथ कॉम्बिनेशन आता है इफ एंड एल्स का, कुछ इस तरह का कोड हम लोगों ने लिखा था। और उसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था इफ एल एलिफ एंड एल्स स्टेटमेंट को, ताकि दो कंडीशंस के ट्रू होने को चेक करें, एक इफ के अंदर और फिर एलिफ के अंदर। अगर दोनों ही कंडीशंस के अंदर फॉल्स आ जाता है तो एल्स हमारा डिफॉल्ट कोड होता है जो कि रन हो जाता है। आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा इस कोड को और मॉडिफाई करेंगे और यहाँ से जो हम लोग वैल्यूज डाल रहे थे स्टैटिक वैल्यूज, जैसे हम लोग खुद कंटेनर को बता रहे थे कि इसमें वैल्यू क्या होनी चाहिए, वी बीइंग अ प्रोग्रामर इसको बता रहे थे कि भाई ये वैल्यू है, लेकिन अब की बार हम लोग ये वैल्यूज इंसर्शन की जो टास्क है या जो अथॉरिटी है वो यूजर को देना चाह रहे हैं। और ये यूजर को देने के लिए हम लोग हमेशा इनपुट फंक्शन को यूज करते हैं, ताकि वो यूजर डायनामिकली वैल्यूज को इंसर्ट कर सके हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। और ये चीज अचीव करने के लिए सबसे पहले मैं एक सिंपल सा कोड यहाँ पे रख देता हूँ और उससे भी पहले मैं इस कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ। और यहाँ पर आके एक सिंपल सा कोड मैंने रख दिया इफ एंड एल्स का, और यूजर को अथॉरिटी देने के लिए मैं यहाँ पर आके 17 की बजाय इनपुट लिख देता हूँ, ताकि यूजर डायनामिकली अपनी एज इंटर करवा सके। और यूजर की एज को एक्सेप्ट करने के लिए मैं लिख देता हूँ इंटर योर एज, कुछ इस तरह से। और इस प्रोग्राम के अंदर होगा ये कि यहाँ से यूजर वैल्यू डालेगा, वो वैल्यू एज के अंदर स्टोर होगी, और ये जो एज के अंदर डेटा स्टोर होगी उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा, लेकिन लाइन नंबर 47 के ऊपर हम लोग स्ट्रिंग को कंपेयर करवा रहे हैं इंटीजर के साथ, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग यहीं पर इस इशू को रिजॉल्व कर देते हैं और इस कोड को इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि यूजर जो भी डेटा हमारे पास भेजे यूजिंग दिस कमांड वो पहले इंटीजर में कन्वर्ट हो और फिर एज के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। अब यहाँ पर भी वैल्यू इंटीजर है, यानी कि यहाँ पे, और इसका कंपैरिजन भी इंटीजर वैल्यू के साथ ही हो रहा है, तो हमारा जो ब्लॉक है वो चल जाएगा ये वाला, और हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के बाद अब इसको चेक कर लेते हैं और उसके बाद फर्दर आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस लेक्चर को चला दूंगा और ये कह रहा है एंटर योर एज, मैं 18 डाल देता हूँ और आंसर आता है यू कैन वोट, विच मीन्स के लाइन नंबर 48 हमारा चल चुका है। और फिर यहाँ पर दोबारा से इसको चलाता हूँ और इस बार लिखता हूँ 16, और इससे हमारा लाइन नंबर 50 चला है, यू वॉन्ट बी एबल टू वोट। वंस इट इज डन, अब आपको पता है कि हमेशा हर यूजर जो है वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। जब यूजर को आप लोग अथॉरिटी दे देते हो कुछ भी लिखने की, तो वो कुछ भी लिख सकता है, यूजर कोई और वैल्यू भी डाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यूजर कुछ होशियार है और वो यहाँ पर लिख देता है 16, कुछ इस तरह से। अब अगर आप लोग एंटर दबाओ और इस कोड को चलाओ तो आप लोगों का लाइन नंबर 45 के ऊपर यहाँ पे इंटीजर की कन्वर्जन में फॉल्ट आ गया है, और जिससे आप लोगों का पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो गलत परफॉर्म कर रहा है या एरर देना शुरू कर देता है। अब इस मसले को हल करने के लिए और अपने सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर के थ्रू एरर जनरेट करवाने से बचने के लिए आप लोग ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज करते हो, ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक्स। और ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, जिस जगह पे आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने अथॉरिटी यूजर को दी हुई है, या यहाँ जहां पर आप लोगों को खतरा होता है कि यूजर कुछ भी डाल सकता है जो कि मेरे सॉफ्टवेयर को एरर मोड में लेकर जा सकता है, वहां पर आप लोग ट्राई एंड एक्सेप्ट को यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर करूँ ट्राई और मुझे पता है कि जो एरर जनरेट हो रहा है वो इस कमांड के थ्रू जनरेट हो रहा है, तो मैं इस कमांड पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर कहूँगा एज इक्वल्स टू इंटीजर एज, और यहाँ से इंटीजर को हटा दूंगा, ताकि सबसे पहले सिर्फ वैल्यू को
चेक किया जाए, और वंस वो वैल्यू इंटर हो चुकी है उसके बाद उस वैल्यू को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट किया जाए, और वंस अगेन अब ये फिल्टर्ड वैल्यू इंटीजर में कन्वर्टेड वैल्यू वापस उसी कंटेनर में डाल देते हैं। और उसके बाद हम लोग कहते हैं अगर अगर ये चीज ना हो पाए, विच मीन्स के यहां पर कुछ ऐसी वैल्यू है जो कि इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो हमारा ये वाला कोड चला दें, और इस वाले कोड पे कोई भी एज की वैल्यू आप लिखवा सकते हो, और वंस वो वैल्यू लिखवाने के बाद आप उसके ऊपर भी कोई ना कोई कंडीशन लगा देते हो। तो फिलहाल मैं इस एरर को या इस मसले को हल करने के लिए कह देता हूं कि भाई हमारी जो एज की वैल्यू है वो -1 है। फॉर एग्जांपल यूजर ने 16 डाल दिया है इन अल्फाबेटिकल मोड, तो एज की वैल्यू -1 हो जाए। इस मसले को यूजर को कैसे आइडेंटिफाई करवाया जाए, अब उसके लिए आप लोग क्या करते हो, आप लोग यहां पर आके एक इफ ब्लॉक लिख दो, और पहले ये चेक करो कि भाई कहीं यूजर ने ये चेक कर रहा है कि कहीं यूजर ने ऐसी वैल्यू तो नहीं डाली जिसकी वजह से एज की वैल्यू -1 हो रही है। अगर हाँ तो इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दे और यहां पर कहे कि भाई फ्रेंड्स द वैल्यू यू हैव एंटर्ड इज नॉट वैलिड, और फिर ये इसे कहे कि एलिफ अदरवाइज अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है तो यू कैन वोट एल्स फ्रेंड यू वोंट बी एबल टू वोट। तो कुछ इस तरह से इसको अब मैं सेव कर देता हूं, और सेव करने के बाद मैं दोबारा से इसे चला देता हूं, और इस बार अगर यूजर इस तरह से 16 डालता है तो आपका कोड अभी भी चल रहा है, आपका सॉफ्टवेयर एरर मोड में नहीं गया और आपको आंसर नजर आ रहा है that the value you have entered is not valid.